ताने लगेंगे तो पत्थर दिल भी आंसू बहाने लगेंगे। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। जिन लोगों के हाथ में आज देश की बागडोर है, उन लोगों ने केवल 10 साल में नफरत करने का काम किया है। जनता से जो वादे किए थे, किसी एक वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा, और बाद में क्या कहा कि वो जुमलेबाजी थी। पहले बाबा कहते हैं और बाद में कहते हैं कि जुमलेबाजी थी। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई, आज महंगाई आसमान छू रही है, गरीब का जीवन दुभर हो गया है। और जब जनता महंगाई की मार से परेशान है तो भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही और पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था कि नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, अगर नौकरी दी होती 2 करोड़ लोगों को तो आज 20 लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन नौकरी देने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। पहले परीक्षा होती है, फिर भाजपा के नेता पैसा लेकर के परीक्षा लीकआउट करते हैं और परीक्षाएं निरस्त हो जाती है। ये खेल चल रहा है 7 साल से युवाओं को ठगने का। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, यूपी का इलाहाबाद बैंक था बिक गया, और कभी आप चारबाग गए हो लखनऊ का चारबाग स्टेशन, यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह ने बेच दिया। यहाँ का लखनऊ का एयरपोर्ट कितना शानदार बना था और यहाँ के सांसद ने उस लखनऊ के एयरपोर्ट को बेच दिया। उनको बताना होगा कि 15 लाख हमारे खाते में क्यों नहीं आए। अरे अखिलेश यादव जी ने आप सभी को समाजवादी पेंशन दी, कभी जाति और धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगा। अगर लैपटॉप मिला होगा तो जितना कदम रसूल को मिला होगा उतना ही त्रिवेणी नगर को मिला होगा। कोई अंतर नहीं किया हमारे नेता ने, लेकिन कुछ लोग है जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहते है। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ 4 M की बात करते हैं, मंदिर, मंगल सूत्र, मछली की बात करते हैं। ये खाली इन्हीं सब मुद्दों पर आपको मुसलमान की बात करते हैं। एक तरफ तो मंच पे खड़े होकर मुसलमान को गाली देते हैं, एक तरफ तो साफ साफ मुसलमान वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल करके गाली देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ बीच के साथी हैं जो मंच लगा करके आजकल भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ कि अगर दबाव है, मजबूरी है तो ठीक है, आप दबाव और मजबूरी में रहिए, लेकिन जो इस वतन के लिए लड़ रहे हैं, जो किसान इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए शहीद हो जा रहे हैं, उनकी शहादत का मजाक मत उड़ाइए। कदम रसूल की ईमानदारी का मजाक मत उड़ाइए, प्रथम वार्ड की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अगर इस दौर में कोई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो आपके रोजगार की बात नहीं कर रही। देश के प्रधानमंत्री ने इतने दिनों में मंच पे बात की, लेकिन कभी आपने सुना कि उन्होंने बताया हो कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया? कभी इस क्षेत्र के विधायक ने कभी मंच लगा करके ये कहा हो कि नहीं, मैंने उत्तर विधानसभा की इतनी सड़क, इतनी नाली बनवा दी, मैंने कदम रसूल के लोगों के लिए इतना करा दिया। उनके पास तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके पास बड़े बड़े मैरिज लॉन हैं, उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन आप बताइए कि क्या कभी लखनऊ उत्तर विधानसभा के लोग और कदम रसूल के लोगों को उनके अस्पताल में मुफ्त में इलाज मिला? नहीं है। पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इस बार भारी बहुमत से साइकिल वाला बटन दबा करके रविदास जी को सांसद बना दीजिएगा। आप बताइए कि पूरे देश में क्या हो रहा है? जब कोरोना आया तो सभी ने देखा कि क्या हुआ, जगह जगह हम सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। हम सभी लोगों ने, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने रिश्तेदार को नहीं खोया होगा। और उस समय जब माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की तो आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया। और खासतौर पर अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं तो इस विधायक ने क्या किया, 20-20 लाख रुपए में अपने प्राइवेट अस्पतालों में बेड बेचा। आप बताओ इनमें से कोई भी व्यक्ति गया हो, विधायक और सांसद ने कोई आपके लिए सुविधाओं का इंतजाम किया हो? यहाँ पर बैठे हुए लोग मुझे बताएं कि कभी राजनाथ सिंह आपका हालचाल लेने आए?
मल्होत्रा जी करते हैं। इसलिए ऐसे शानदार प्रत्याशी देने के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे देश का क्या माहौल है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश के अंदर क्या चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। और कदम रसूल तो ऐसा वर्ड है जो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा देता है। जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात आती है तो आप देखिए कि कदम रसूल के लोग हैं जो इस देश की सोचते हैं और भारी बहुमत से साइकिल को जिताते हैं, साइकिल को रफ्तार देते हैं। मैं जब संविधान ये पता है कि जहां कभी भी संघर्ष की बात आएगी वहां हमारे रविदास जी मौजूद रहेंगे। आप देखिए आज का माहौल है कि अगर इन पे कोई आवाज उठाता है तो ये लोग उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई के जरिए आवाज दबा देते हैं। देखिए माननीय आजम खान साहब के साथ क्या हुआ, कितने फर्जी मुकदमे लग गए। लेकिन ये बता देना चाहता हूँ माननीय रविदास मल्होत्रा जी जेल जाने में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, इसलिए किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से डरने वाले नहीं है। चाहे जितना जुर्म सितम करिए ये डट के मुकाबला करेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपकी आवाज लखनऊ से उठाकर दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करिएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा इस वार्ड से जीतती है लेकिन इस बार आपको इतिहास में दर्ज करना है, इतना वोट डालना है जितना आज तक कभी भी इस वार्ड में वोट नहीं पड़ा हो, समाजवादी पार्टी को इतने भारी बहुमत से जिताना है। और साथ ही साथ माननीय रविदास मल्होत्रा जी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप कदम रसूल के साथ साथ अयोध्या दास, प्रताप और दीति, किसी की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 12 में भी वो लोग हमारे साथ नहीं थे, जब 12 का चुनाव हुआ तो ये लोग सत्ता के साथ थे, बीएसपी की सरकार में थे और आज वो लोग फिर सत्ता की लालच में गए हैं। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है, ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के भेजेंगे।